कि ये जो यहाँ पे नीतियाँ चलाई जा रही हैं, ये कर्मचारियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचे कि इतनी भीड़ जुटा के हम कुछ ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग घरों से निकलो, आगे बढ़ो, थोड़ा सा इस सरकार को रोको जो ये प्राइवेट करने जा रही है सब कुछ। मेरे हस्बैंड रेलवे में है, वो रोज बताते हैं आके कि कितने स्टेशन इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं और आगे भी करते जाएंगे। और वहां पे ऐसे ऐसे कर्मचारी रखे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक दिन मेरे हस्बैंड गेस्ट रूम में रुके हुए थे, तो वहां पे एक कर्मचारी था कुक, वो लेके आए रिक्शा वाले को, किसी को लेके आ गए क्योंकि प्राइवेट है, कहीं से भी लेके आ जाते हैं। तो हस्बैंड ने थोड़ा उसको बोला कि भाई अच्छा खाना नहीं बनाया, तो वो कहता है कि ज्यादा बोलोगे तो अभी चाकू घोंप दूंगा आपके, क्योंकि उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई रहने का पता नहीं है, कहाँ रहते हैं। तो भाइयों आप लोग एकजुट हो जाओ, ये तो इन्होंने नीति अपनाई है कि बांटो और राज करो। देखो कांग्रेस के टाइम में भी हम लोग, मैं 30 साल से वर्कर हूँ, हम लोगों की कम से कम कांग्रेस की नीतियां हमारे कर्मचारियों के फेवर में थी। अब आप लोगों को देखना है कि अब क्या करना है। आप लोग थोड़ा सा भीड़ जुटाएंगे तभी सरकार को मैसेज जाएगा। मैं हर उसमें आती हूँ प्रोग्राम में, लेकिन हर बार मेरे साथ कर्मचारी आते हैं, लेकिन वो यही कह के रुक जाते हैं हर बार कि मैडम हम ही जाते हैं, कोई आता ही नहीं है। इस बार भी मेरे साथ 4 ही लोग आए हैं, बस ज्यादा आने के लिए तैयार ही नहीं होता है कोई भी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से ज्यादा संख्या में आए और इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ो। ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम 2019 में भी आएंगे, कैसे तैयारी कर रहे हैं लोग, कैसे आप लोग वोट डालेंगे। राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं कि जो भी जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग वोट ही नहीं डालेंगे। तो हमें भी यहाँ एक अपनी एक मैसेज छोड़ के जाना है कि जितने भी कर्मचारी हैं हम लोग नोटा पे वोट डालेंगे, बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि नोटा पे वोट डालने से इनको मैसेज आएगा कि कर्मचारियों ने किसी को भी वोट नहीं दी है। इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, देखो भाइयों सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, ये सब जानते हैं, सफलता एक दिन नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे भाइयों एक दिन जरूर मिलेगी और जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसलिए सब एकजुट रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।